हेलो नमस्ते दोस्तों, आज दिव्या हेल्प किचन में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इंस्टेंट तरीके से गेहूं के आटे की बर्फी कैसे बनती है घर में वो बताऊंगी। तो बहुत ही इजीली, बहुत ही टेस्टी तरीके से बनके तैयार होती है, तो प्लीज़ एक बार आप इस तरीके से बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिए। दिखने में जितनी अच्छी दिख रही है ये उतनी खाने में भी टेस्टी लगती है, तो एक बार आप इस तरीके से बनाकर ट्राई कीजिए। तो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गेहूं का आटा लिया। गेहूं का आटा इस टाइम आप ये देख सकते हैं मैंने लिया है 250 ग्राम के लगभग। तो आप जो नॉर्मली रोटी बनाते हैं उसी का मैंने आटा लिया है, नॉर्मली वाला जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में डेली यूज़ में जो आटा लेते हैं वही मैंने आटा लिया है। तो गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। ये मैंने कढ़ाई ले ली है इस तरीके से नॉनस्टिक। तो थोड़ी देर मैंने गैस का फ्लेम ऑन किया था कढ़ाई को थोड़ा गर्म करने के बाद। अब इसमें गेहूं का आटा ऐड करेंगे। तो गेहूं का आटा इस तरीके से ऐड कर देना है, आप ये देख सकते हैं। और अब इसको थोड़ा सा सेक लेना है, पका लेना है इसको, ताकि जो इसकी खुशबू है वो निकल सके और इसका जो कच्चापन है वो भी दूर हो सके। तो अब इस तरीके से इसको सेक लेंगे। तो अब इस तरीके से इसको सेक लेना है आटे को। तो आटा आप ये देख सकते हैं इस तरीके से सिक्के तैयार हो चुका है। 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे सेका था। तो अब इसमें घी ऐड करेंगे। तो थोड़ा पहले इसमें घी ऐड करेंगे और फिर थोड़ा सा बाद में ऐड करेंगे घी। तो घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल कम घी में ही बन के तैयार होती है बर्फी। तो प्लीज़ एक बार आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। इस बर्फी में ना तो आपको मिल्क पाउडर की ज़रूरत है, ना आपको मावा की ज़रूरत है, ना सूजी की ज़रूरत है और ना ही मैदा की ज़रूरत है। केवल गेहूं के आटे से ही बन के तैयार होती है। तो अब ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैंने इसमें घी भी मिक्स कर लिया है। तो थोड़ा सा अब इसमें मक्खन ऐड करेंगे। मक्खन से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार हो जाता है, बढ़ जाता है बहुत ही। तो मक्खन को मिक्स करना है। मैंने पूरा घी इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि जो मक्खन आप डाल के अगर बनाएंगे बर्फी को तो उसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, आप घी ले सकते हैं इसके बदले थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा। तो अब अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स कर लेना है, मक्खन को भी। तो मक्खन मिक्स होने के बाद आपको तुरंत बाद ही डाल देना है चीनी का पाउडर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको चीनी नहीं डालनी है, आपको चीनी का पाउडर डालना है। तो अब इसमें बूरा जो हम बोलते हैं नॉर्मली बूरा चीनी, आप चीनी का पाउडर आपको डाल देना है। तो जितना मैंने गेहूं का आटा लिया था उतनी ही, उससे थोड़ी सी कम इसमें अब हम चीनी डालेंगे, चीनी का पाउडर। तो ये देख सकते हैं मैंने चीनी का पाउडर लिया, शुगर पाउडर लिया। तो अब इसको डाल देंगे और इसको डालने के बाद अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। आप ये देख सकते हैं केवल 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से एक बार आप बनाकर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए मिठाई को। तो अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप बना लेंगे ना तो आपके घर में सभी को बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो अब इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से आप ये देख सकते हैं मिक्स हो चुका है सभी चीज़ें इसमें। तो अब इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है तभी जो मिठाई का कलर है वो वाइट आएगा। तो अब इसको अच्छी तरीके से हल्के हाथों से अच्छी तरीके से पहले तो गैस का फ्लेम मिक्स बिल्कुल लो कर देना है और आपको बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स करते रहना है। इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी घुमाना है और बिल्कुल आपको टाइट नहीं रखना है। तो अब इस तरीके से इसमें और दूध ऐड करेंगे। तो दूध इस टाइम मैंने आप ये देख सकते हैं इसमें 500 ml के लगभग डाल दिया है दूध। दूध इस मिठाई में ज़्यादा लगता है मैं आपको बता देती हूँ, बट घर में इजीली आपको मिल भी जाता है, अवेलेबल भी हो जाता है। तो अब ये देख सकते हैं लास्ट में इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है ये। तो आप यकीन नहीं मानेंगे इस तरीके से आप गेहूं के आटे की बर्फी बना रहे हैं, गेहूं के आटे की मिठाई बना रहे हैं तो इतने ईजीली और इतने इंस्टेंट तरीके से बन के तैयार होती है। अगर आपको इसका टेस्ट नहीं रखना है, गेहूं के आटे का आपको टेस्ट नहीं चाहिए, तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला, इस तरीके से स्किप किया है। और ऊपर से और भी इसमें थोड़ा सा मक्खन ऐड किया है, मक्खन से टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। मैं आपको अभी भी बता देती हूँ इस चीज़ को कि प्लीज़ आप एक बार इसमें मक्खन ज़रूर डाल के ट्राई कीजिए। तो एक कलर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है बर्फी के डो का। और आप यकीन नहीं मानेंगे गेहूं के आटे का इस तरीके से बर्फी आप बनाकर तैयार कर सकते हो घर में इजीली। आपको 7 से 8 मिनट तो इसको मैंने पहले सेका था और उसके बाद इसमें 3 से 4 मिनट आपको लग जाएंगे इसको पकाने में अच्छी तरीके से। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ बैटर इस तरीके से बने, तभी आपको गैस का फ्लेम ऑफ करना है। तो अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसको सेट करने के लिए रखेंगे और अब इसमें इलायची पाउडर में थोड़ी सी लास्ट में ऐड करूँगी। मैंने आपको जैसे बोला था आप डाल भी सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने इसमें डाल दिया इस तरीके से। तो अब इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स भी कर लिया, आप ये देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो
अब ये मैंने आप ये देख सकते हैं इस तरीके से पहले तो बटर पेपर लगा लिया, इस तरीके से केक टिन में इसको सेट कर लेंगे। आप किसी भी ट्रे में सेट कर सकते हैं, इस टाइम मैंने केक टिन का यूज़ किया सेट करने के लिए। तब इसको सेट कर लेना है अच्छे तरीके से। तो अब आपको गर्मा गर्म इसको सेट कर लेना है, तो बिल्कुल ईजिली सेट हो जाएगा। आपको अगर मोटे पीस में रखनी है, मोटा थोड़ा सा बनाना है इसके पीसेस, तो आप थोड़ी मोटी भी रख सकते हैं और थोड़ी सी आप इसको बारीक भी, आप अगर पतली बनानी है तो आप पतली भी रख सकते हो। तो अब इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको फैला लेंगे पेस्ट को। तो अब इस पेस्ट को अच्छी तरीके से फैला लेना है। तो अभी मैंने अच्छी तरीके से इसको सेट कर लिया है, फैला लिया है इस तरीके से आप ये देख सकते हो। तो अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, और अगर आपको इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाना है तो आप लगा सकते हैं, बट इस तरीके से मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ ऊपर से। तो ये मैंने काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, जो भी होता है ड्राई फ्रूट, मैंने सभी ले लिए हैं। तो इसके ऊपर अच्छी तरीके से डाल देंगे, और आपको दूर दूर इस तरीके से डालना आप ये देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा दूर दूर इस तरीके से डाल रही हूँ, तो सभी चीज़ें इसमें डाल देनी है, और जितनी दिखने में अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा ये कई ज़्यादा दुगना खाने में अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ एक बार आप इस तरीके से बनाकर ट्राई कीजिए। मैंने सभी केवल इसको तीन चीज़ों से बनाया, और सभी चीज़ों का ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जो आपके घर में आसानी से मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। तो अब इस तरीके से अच्छी तरीके से इसमें मैंने सभी ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए, आप ये देख सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ड्राई फ्रूट्स को भी, और अब इसको सेट करने के लिए रखेंगे केवल 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट में बिल्कुल सेट हो जाएगी, तो आप इसको बिल्कुल इंस्टेंट भी बना के खा सकते हैं। और अगर आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, और भी अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। तो जितनी दिखने में अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा कई ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है। तो प्लीज़ एक बार आप इस तरीके से बनाकर ट्राई कीजिए। तो अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी सेट होने के लिए। तो अब इसको सेट होने के लिए रख देना है। तो ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, कितना अच्छा इसका टेक्सचर लग रहा है, आप ये देख सकते हो। तो मैंने प्लेट ली है, तो इस तरीके से अब इसको कट कर लेना है। और जो बटर पेपर है वो भी मैंने होममेड घर में ही बनाया था, तो मैं आपको उसकी भी वीडियो की लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कट कर लेना है इसको। तो अब आप इसको मनचाहे शेप में भी काट सकते हैं। दिखने में जितनी टेस्टी लग रही है मैं आपको बता देती हूँ, उतनी ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी दीपावली भी आ रही है, तो आप इस तरीके से घर में बनाकर ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल प्योरली बहुत ही इंस्टेंट तरीके से घर में बन के तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।